में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 26 तारीख को वोटिंग होनी है, जिससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में तोड़जोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 26 मार्च को गुजरात में विधायक वोट डालेंगे। ऐसे में गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। भाजपा से अभय भारद्वाज, रमीला बेन बारा, नरहरी अमीन ने पर्चा भरा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी ने पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद सभी उम्मीदवार जीत के लिए काफी आश्वस्त दिखे, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है, ये बता रहा है कि बीजेपी यहां इस राज्यसभा के चुनाव में भी खरीद फरोख्त की राजनीति करने जा रही है। मैं कांग्रेस के विधायकों को पहला मिलूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कैंडिडेट की हैसियत से मेरे को उनको बताना है कि भी मैं भी कांग्रेस में रह चुका हूँ, मेरा दर्द क्या है वो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो याद दिलाऊंगा, और आपको ये भी दर्द हो रहा है तो आप भी बाहर निकलिए और सही निर्णय लीजिए, ये बात मैं करूंगा उनको। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, हमारी जीत 110% होने वाली है। कांग्रेस 100% जीतेगी, दोनों की दोनों सीटों अच्छी तरह से जीतेगी, बिल्कुल 100% हमारे विधायकों पर पूरा भरोसा है, वो निष्ठावान है, कर्मठ है, लॉयल है, प्रतिष्ठा उनकी बहुत ऊंची है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं गुजरात विधानसभा की बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी से 2, यानी कि कुल मिलाकर 106 विधायक बीजेपी के पास है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 73 विधायकों के अलावा 1 निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि जिग्नेश मेवानी है। गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टी को 38 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 2 सीट जीतने के लिए 76 वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास 74 वोट है। ऐसे में कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति इस बार विधायकों को तोड़ना नहीं, बल्कि कांग्रेस से विधायकों से क्रॉस वोट करवाना या फिर वोट को रद्द करवाना है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए और वहां राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई, ठीक वैसे ही गुजरात में भी शुरू होने के आसार हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर नहीं, बल्कि कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाने का दौर ज्यादा चलेगा। इसमें पहले कांग्रेस एमएलए अपना वोट देंगे और फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।